आगे बढ़ेंगे। सवाईमाधोपुर के बजरी लीज धारक के खिलाफ राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आंदोलन की राह पर है। वहीं करमोदा में सैकड़ों की तादाद में समर्थक सांसद मीणा के साथ शामिल हुए। इसके बाद सांसद किरोड़ीलाल ने कलेक्ट्रेट की तरफ कूच किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट पर पुलिस की ओर से लेयर सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई। वहीं दर्जनों की तादाद में पुलिस के अधिकारी और जवान भी तैनात रहे। कलेक्ट्रेट पहुंचते ही सांसद और समर्थकों ने अपना रुख बदल दिया, वहीं रेलवे स्टेशन की ओर रवाना हो गए। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि बजरी लीज धारक अवैध जगहों से बजरी निकाल रहे हैं और सरकारी भूमि से अवैध रूप से बजरी निकाली जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन की मिली भगत से बजरी का गोरख धंधा चल रहा है। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अब तक पुख्ता आश्वासन नहीं दिया गया और तब तक वो रेलवे स्टेशन परिसर में समर्थकों के साथ धरना देंगे। जी, पर ऐसा लगता है कि बड़ा आंदोलन करेगा तब सरकार झुके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, एनजीटी के आदेश से एक मीटर से ज्यादा बजरी निकाल नहीं सकते। 10-10 मीटर गहरे गड्ढे कर रखे और नदी भी जेसीबी और एलएनटी नहीं उतार सकते। बड़े मशीन एलएनटी जेसीबी काम कर रही है और जो उनका लेज एरिया है ठेकेदार जी का, उसमें एक मुट्ठी भी बजरी नहीं है। जो सरकारी जमीन है सिवाय चक चरागा या खातेदारों की जमीन से बजरी निकाल रहे हैं। बजरी की रेट 52 रुपये प्रति टन है रॉयल्टी, वो ले 700 रुपये प्रति टन रहे। जगह जगह नाके लगा रखे, नाकों में सवाई माधोपुर से बाहर के सामाजिक असामाजिक तत्व बैठा रखे, वो स्थानीय लोगों पर हमला करते हैं और मारपीट करते हैं और दुर्व्यवहार करते हैं। देश में कानून का राज है, पुलिस पैरेलल व्यवस्था, कोई कितना ही बड़ा आदमी हो वो पुलिस की तरह व्यवस्था नहीं कर सकता। कोई कानून बिगड़ता है तो पुलिस की जिम्मेदारी वो कंट्रोल करेगी।